Hello everyone, I welcome you all to my channel Education World today. So today we are going to discuss about a new topic that is the strange case of Britain. And why we call it the strange case of Britain? That I am going to tell you. अब देखो ये strange case of Britain है क्या basically? यहाँ पर हम और कुछ नहीं बस ये बात करेंगे कि Britain कैसे form हुआ, Britain का ka unification कैसे हुआ. एक simple way में बत मैं आपको बताती हूँ. So uh, that is the thing कि हमने last जो topics थे, last जो classes थी उसमें discuss किया था कि कैसे Italy का unification हुआ, कैसे Germany का unification हुआ बट यहाँ पर आप देखोगे कि ब्रिटेन का जब यूनिफिकेशन हुआ दैट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली तो इसीलिए इसको क्योंकि इसकी फॉर्मेशन बिल्कुल अलग थी डिफरेंट थी बाकी नेशन स्टेट्स के बनने से इसीलिए यहाँ पर हम इसको बोलते हैं दैट दिस स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन सो लेट सी कि इसको स्ट्रेंज केस बोला क्यों गया Uh, look here in britain the formation of the nation state wasn't the result of a sudden upheaval or revolution it was the result of a long drawn out process so do you know key uh, hamne the last classes may discuss tha about the germany unification about the italy unification वहां पर हमने देखो देखा क्या था वहां पर हमने देखा था कि बहुत सारे रेवोल्यूशन को लेड किया गया जैसे जर्मनी में आप देखोगे यू नो you know, कि सेवन ईयर्स में थ्री वॉर्स को लेड किया था ऑटो तो वन विस्मार्क ने और उसके बाद में उसको यूनिफाई कराया गया धीरे धीरे इटली में भी हमने वैसे ही देखा कि नॉर्थ में वॉर्स हुई साउथ में वॉर हुई और उसके बाद में उसको यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ रेवोल्यूशन हुई बहुत सारी उसके बाद में वो यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं था ब्रिटेन में क्या था कि कोई भी वॉर्स को लेड नहीं किया गया कोई भी ऐसी रेवोल्यूशन को बेसिकली लेट नहीं किया गया था बल्कि एक लंबा प्रोसेस था ये ब्रिटेन को यूनिफाई कराने का या फिर करने का हम कह सकते हैं क्योंकि ब्रिटेन ने खुद को यहाँ पर खुद ही यूनिफाई कराया है वो कैसे दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस यो तो लेकिन एक छोटा प्रोसेस नहीं था ये काफी लंबा प्रोसेस था धीरे 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 छोटे छोटे जो पार्ट्स अंदर इनकॉर्पोरेट किए गए बात करें तो वहां पर कोई भी ब्रिटिश नेशन एग्जिस्ट नहीं करता था ये बेसिकली आप देखोगे कि रूलिंग डोमिनेटेड जो रूलर्स थे वही इनको डोमिनेट किया करते थे नेशन स्टेट्स तब तक ये नहीं बने थे यहाँ पर अलग अलग एथनिक ग्रुप्स रहा करते थे बेसिकली जैसे आप इंग्लिश देखोगे वेल्श देखोगे स्कोट्स देखोगे तो ये एथनिक ग्रुप्स यहाँ पर रहा करते थे दे इनहेबिटेड द ब्रिटिश आइल्स हैविंग देयर ओन कल्चर एंड पोलिटिकल बेसिस यहाँ पर ब्रिटिश आइल्स से मतलब है कि जो छोटे छोटे आइलैंड्स की हम बात कर रहे हैं जिनको यू नो वी कैन से ऑक्यूपाई किया जाता था बाय द इंग्लिश बाय द वेल्श एंड द स्कोट्स तो आ, इनका अपना अपना कल्चर हुआ करता था अलग-अलग अलग-अलग पॉलिटिकल बेसिस थे सबके कोई सिमिलैरिटी नहीं थी उसके बाद में आप देखोगे बिकज ऑफ द ग्रोथ ऑफ इंग्लिश नेशंस वेल्थ इन पावर इट वाज एबल टू एक्सटेंड इट्स डोमिनेंस ओवर द अदर नेशंस ऑफ आयरलैंड इंग्लिश पार्लियामेंट आल्सो सीज मोनार्की इन 1688 एट द एंड ऑफ अ प्रोटेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट तो धीरे-धीरे धीरे-धीरे क्या हुआ जो इंग्लिश थे उनकी वेल्थ बढ़ती चली गई उनकी पावर बढ़ती चली गई रीजन क्या था इसके पीछे रीजन था इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो इंग्लिश नेशन था इसने अपना ग्रो किया वेल्थ आती गई इनके पास में इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में जैसे जैसे वेल्थ आया तो पावर्स भी बढ़ती चली गई और उसके अलावा जब इंग्लिश नेशन के पास में वेल्थ आया तो उन्होंने क्या किया जो दूसरे एरियाज थे छोटे छोटे उनको डोमिनेट करना शुरू कर दिया जो बाकी के एलेंट थे उनको डोमिनेट करना शुरू कर दिया और इवन इन्होंने आप देखोगे Uh, जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी उसने मोनार्की को भी सीज कर दिया 1688 में uh, एक कॉन्फ्लिक्ट के बाद में Uh, उसके बाद में आप देखोगे 1707 में एक एक्ट पास हुआ किसके बीच में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में सो so, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड एक एक्ट एक पास करते हैं जिसको एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के नाम से जाना जाता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर टू मार्कर में बिल्कुल पूछा जा सकता है दैट मोट वॉज एक्ट ऑफ यूनियन सेवन तो उसको अच्छे से अंडरलाइन कर लेना जो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि क्या था इस एक्ट में और आ, कैसे किस किस के बीच में ये साइन हुआ था इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन सो इससे क्या हुआ स्कॉटलैंड जो था तो वो इनकॉर्पोरेट हुआ था इस एक्ट के थ्रू 1707 के थ्रू किसके अंदर इंग्लैंड के अंदर और इन दोनों ने मिलकर के फॉर्म किया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट

So, English was able to impose its influence on Scotland. English Parliament was also dominated by its English members. तो जो इंग्लिश थे ऑब्वियसली कि जब आ, वो पहले से डोमिनेट करते आ रहे हैं तो वो आगे भी करेंगे स्कॉटलैंड को जब मिला लिया गया अब इंग्लैंड के अंदर तो इंग्लिश ने क्या किया यानी कि इंग्लैंड ने क्या किया अपना जो इन्फ्लुएंस था वो स्कॉटलैंड के ऊपर बढ़ाना शुरू कर दिया इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ाया अपना कल्चर धीरे धीरे इम्पोज करते चले गए स्कॉटलैंड के ऊपर और इसके अलावा आप देखोगे जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी उसमें भी ज्यादातर जो मेंबर्स थे वो कहाँ के थे इंग्लैंड के मेंबर्स थे तो ऑब्वियसली जिस एरिया के मेंबर्स होंगे वही उसको डोमिनेट करेंगे सो द इंग्लिश पार्लियामेंट वाज आल्सो डोमिनेटेड बाय इट्स इंग्लिश मेंबर्स और उसके बाद आप देखोगे सिस्टमैटिक सप्रेशन ऑफ स्कॉटिश कल्चर लैंग्वेज बाय इंग्लिश बिगेन The the Catholic clans that inhabited the Scottish Highlands suffered terrible repression whenever they attempted to assert their independence. तो यहाँ पर क्या मतलब है? क्योंकि एकदम ऐसा नहीं है कि इनकॉर्पोरेट किया गया इंग्लैंड के अंदर और कल को उसके ऊपर वो पूरा कल्चर इंपोज कर दिया गया बल्कि हम कह सकते हैं कि ये भी एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस थी कि धीरे 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 इंग्लिश ने अपना इंफ्लुएंस uh, बढ़ाया स्कॉटलैंड के ऊपर स्कॉटिश कल्चर को धीरे धीरे खत्म किया जो इंग्लिश लैंग्वेज थी उसको इम्पोज कर दिया इंग्लिश कल्चर को इम्पोज कर दिया किसके ऊपर इंग्लैंड के ऊपर इवन आप देखोगे कि जो कैथोलिक क्लेंस थे यहाँ पर स्कॉटलैंड में जो इनहेबिटेट करते थे स्कॉटिश आइलैंड्स को उनको भी क्यों क्योंकि उन्होंने रिवोल्ट किया कि यू नो दे डोंट वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ दिस इंग्लैंड लेकिन उन्होंने छोटे छोटे रिवोर्ट्स की लेकिन वो रिवॉर्ड्स भी उनके सक्सेसफुल नहीं हुई उनको भी क्या कर दिया गया सप्रेस कर दिया गया लेकिन ये याद रखना ये यूनिफिकेशन के लिए नहीं है जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ये क्या है यूनिफिकेशन के अगेंस्ट है फाइन सो आप देखोगे कि इस उनको सप्रेस कर दिया गया जब भी वो ट्राई करते थे कि वो इंग्लिश से इंडिपेंडेंस गेन कर ले तो उनको सप्रेस कर दिया जाता था बाय द इंग्लैंड फॉरदर यू विल सी द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर फॉर बिजिंग टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज और वेयर देयर नेशनल ड्रेस मेनी वर ड्राइवन आउट ऑफ देयर होमलैंड आल्सो So, ये जो स्कॉटिश हाईलैंडर्स थे जिसमें हमने कैथोलिक्स की बात की है उनको क्या किया गया इवन उनको अपनी लैंग्वेजेस बोलने की परमिशन नहीं थी उनकी लैंग्वेज कौन सी थी गैलिक लैंग्वेज उनको ये परमिशन नहीं थी कि वो अपनी लैंग्वेज को बोल सके इवन उनको ये भी डिनाइड कर दिया गया कि आप अपनी नेशनल ड्रेसेस भी वेयर नहीं कर सकते हो और जब भी वो कभी ट्राई करते थे रिवोल्ट करने का तो इवन कुछ जो लोग थे उनको उनकी होमलैंड से बाहर भी निकाल दिया गया दैट वॉज डन सो स्कॉटलैंड का केस अब आगे देखते हैं हम आयरलैंड आयरलैंड को कैसे इनकॉर्पोरेट किया गया इंग्लैंड के अंदर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन स्लाइड सो इट वाज अ कंट्री दैट वाज डीपली डिवाइडेड बिटवीन द कैथोलिक्स एंड द प्रोटेस्टेंट देखो जो इंग्लैंड था ना आपका दैट वॉज डोमिनेटेड बाय द प्रोटेस्टेंट तो प्रोटेस्टेंट की यू यूनो संख्या वहां पर ज्यादा थी प्रोटेस्टेंट नंबर में वहां पर ज्यादा थे और इसीलिए जो इंग्लैंड था यानी कि जो आपका इंग्लैंड था वो सपोर्ट नहीं करता था किसको कैथोलिक्स को वो उनको अपोज किया करता था जैसे हमने स्कॉटलैंड के केस में भी देखा कैथोलिक्स ने जब भी ट्राई किया असल्ट करने का यू you नो know, अपनी इंडिपेंडेंस को तो उनको सप्रेस कर दिया गया अब आयरलैंड के अगर केस में आप देखोगे तो यहाँ पर कैथोलिक्स ज्यादा थे

यहाँ के जो प्रोटेस्टेंट थे ताकि वो पूरी कंट्री पे अपना डोमेंट डोम क्या कर सके सकेश कर सके सो कैथलिक्स रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सो जैसे स्कॉटलैंड में हुआ वैसे ही आपका आयरलैंड में भी हुआ जब भी कैथोलिक्स ने रिवोल्ट की ब्रिटिश डोमिनेंस के अगेंस्ट उनको सप्रेस कर दिया गया बहुत ही इजिली और इवन आप देखोगे कि जो वुल्फ टॉन थे उन्होंने भी एक रिवोल्ट लेड की थी किसकी हेल्प से उनके साथ में उनके यूनाइटेड आयरिशमैन भी थे 1798 में रिवोल्ट को किया गया गया था लेकिन इसको भी भी सप्रेस कर दिया सक्सेसफुल नहीं हुई थी और फाइनली फोर्सफुली आयरलैंड को इनकॉर्पोरेट कर दिया गया यूनाइटेड किंगडम के अंदर कब 1801 में सो so स्कॉटलैंड के, के केस में हमने देखा एक एक्ट के थ्रू जिसको यूनियन एक्ट ऑफ 1707 बोला जाता है उसके थ्रू इनकॉर्पोरेट किया गया आयरलैंड को आपके फोर्सिबली बेसिकली इनकॉर्पोरेट कर What happened with Wills? तो वेल्स भी जैसे हमने इंग्लैंड यू नो you know, इटली के केस में देखा था इटली यूनिफिकेशन में कि जब साउथ में वोर हुई नॉर्थ में वोर हुई तो पॉप खुद ही क्या कर गए सरेंडर कर गए कि भाई मुझे कोई वोर लेड नहीं करनी है आप खुद अपनी बेसिकली मैं अपनी इच्छा से ही अपनी जो टेरिटरी है वो आपको दे देता हूँ उसको यूनिफिकेशन कर लो इसका लेकिन यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर सेम केस हुआ वेल्स के साथ में वेल्स ने भी वही बोला कि वैसे भी यू नो के छोड़ेंगे तो है नहीं आपको तो अच्छा है कि आप बिना किसी रिवोल्ट के बिना किसी उसके इनकॉर्पोरेट uh, हो जाओ किसके अंदर इंग्लैंड के अंदर सो so, बहुत इजी था वेल्स को इनकॉर्पोरेट करना इंग्लैंड uh, के लिए इंग्लैंड के अंदर सो दैट वाज डन और जब ये बेसिकली आयरलैंड स्कॉटलैंड uh, अब हो मर्ज हो जाता है वेल्स मर्ज हो जाता है किसके साथ में इंग्लैंड के साथ में सो इट इज नोन एज द यूनाइटेड किंगडम नाउ फाइन सो अब देखो अब ब्रिटेन तो बन चुका है जब ब्रिटेन एक नेशन बन चुका है तो उसमें क्या क्या चीजें इम्पोज की गई बाद में क्योंकि पहले से वो अपना कल्चर वगैरह इम्पोज करता आ रहा था तो जब ये नेशन बना तो कैसे एक नेशन का वी कैन से फॉर्मेशन किया गया दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर सो अ न्यू ब्रिटिश नेशन दैट वॉज फोर्स थ्रू द प्रोपेंटा ऑफ अ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर द सिंबल ऑफ द न्यू ब्रिटेन द इंग्लिश द ब्रिटिश फ्लैग That was known as the Union Jack. The national anthem, that was the God Savard no Nobel King. The English language, these were actively promoted, and the older nations survived uh, only as subordinate partners in this union. तो जब ब्रिटिश नेशन ये बना जब फॉर्म हुआ तो यहाँ पर क्या किया गया पूरी तरह से जो ब्रिटिश कल्चर था यानी कि जो इंग्लिश कल्चर था उसको इम्पोज कर दिया गया इन ग्रुप्स के ऊपर भी और आप देखोगे पूरे ब्रिटेन के लिए एक फ्लैग को अडॉप्ट किया गया दैट वाज़ द यूनियन जैक और नेशनल एंथम वहां का डिक्लेयर किया गया द गुड सेव आर नोबल किंग और इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया और प्रमोट किया गया बेसिकली इसको और ये बाकी के जितने भी नेशंस थे स्कॉटलैंड हुआ आयरलैंड हुआ ये क्या थे केवल सबऑर्डिनेट पार्टनर्स बन के रह गए इंग्लैंड के राइट तो वहां का जो कल्चर था धीरे 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 डिक्लाइन होता गया इंग्लिश कल्चर को प्रमोट किया गया पूरी तरह से इम्पोज कर दिया गया धीरे धीरे ये पूरे यूनाइटेड किंगडम के ऊपर सो दट हैपेन्ड ही हो, ये था आपका स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन आई होप कि आपको समझ आया होगा ये टॉपिक और यस आई जस्ट वांट टू क्योंकि अगर आपको पता है कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट में क्या डिफरेंस है तो बहुत यू uh, नो you know, एक इतना मेजर डिफरेंस नहीं है माइनर डिफरेंस है वी कैन से माइनर क्या है क्योंकि दोनों क्रिश्चियनिटी के सेक्ट है uh, इसलिए हम बोल सकते हैं कि माइनर है दोनों है क्रिश्चियनिटी के ही बेसिकली फॉलोअर्स लेकिन डिफरेंस क्या है वो आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि क्या डिफरेंस है कैथोलिक्स में और प्रोटेस्टेंट में सो आई होप कि टॉपिक आपको क्लियर होगा कोई भी डाउट है आप तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो उसके अलावा मैंने कुछ क्वेश्चंस भी पोस्ट किए हुए हैं uh, अपने चैनल पे अगर आप जाओगे तो लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन ऑफ आई मारकर आप उनको देखोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपनी प्रिपरेशन के लिए सो प्लीज गो एंड चेक दोज क्वेश्चन ताकि आपको हेल्प मिले कि कैसे आंसर्स लिखने आई ट्राई की मैं चैप्टर के भी क्वेश्चन आपके लिए पोस्ट करूँ आपको एक आइडिया दूं कि कैसे किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सो so, दैट आपको हेल्प मिले So, thank you very much. Have a good day. And I'm just going to end this video here only. Thank you very much.